जिस इंसान से मोहब्बत हो उसमें कमियां ज़रूर तलाशना, जिस इंसान से मोहब्बत हो उसमें कमियां ज़रूर तलाशना, ताल्लुक टूटने पर साहब दर्द जरा कम होता है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज के श्रृंखला को लगातार लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला में, पहले ही मैंने ख़त्म कर दिया है 1857 की क्रांति, और बहुत बेहतर तरीके से उसे ख़त्म किया गया है। आपने अगर अभी तक वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप अपने बेहतर प्रिपरेशन के लिए, है ना, इसको शेयर करें और आगे भी पहुंचाएं, क्योंकि अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों, आप उस लिंक में जाएं और आपको सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे, सभी प्रकार के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जहां से आप पढ़ के और अपना प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर सकते हैं। आइए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की कड़ी में कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं कि कांग्रेस क्या था और क्या नहीं था, किस प्रकार से कांग्रेस से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या निम्न स्तर के ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम हो। दोस्तों, आइए हम लोग लेकर चल रहे हैं कि किस प्रकार से होगा, आइए हम लोग देखते हैं, है ना। बात करें अगर कांग्रेस की, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में समझाने का कोशिश करता हूँ कि अगर बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो है स्थापना उन परिस्थितियों में हुआ जब एक बड़े पार्टीगत की, एक बड़े संगठन की भारत को आवश्यकता थी। अब कारण क्या थे इस संगठन की, आप थोड़ा सा समझ लीजिए बाद में, है ना, अच्छा से समझिए इस बात को कि मान लीजिए कि 1857 की क्रांति हुई। आप एक चीज़ को जानिए कि अगर किसी पार्टी, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से हम लोग 10 गो आदमी गए और 10 गो आदमी जाने के बाद आंदोलन कर रहे हैं किसी नेता के खिलाफ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन उस नेता के कान में जू भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक पार्टीगत कार्यकर्ता, पूरे के पूरे पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं और उनका एक बैनर होता है कि नहीं, बस कांग्रेस संगठन जो है आंदोलन कर रहा है, नहीं बीजेपी संगठन जो है आंदोलन कर रहा है, नहीं आरजेडी आंदोलन कर रहा है, जेएमएम आंदोलन कर रहा है ना, जदयू आंदोलन कर रहा है, तो उस परिस्थिति में हो क्या जाता है कि व्यक्ति के आंदोलन को लीड ज़्यादा मिलता है, व्यक्ति के आंदोलन को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है और उनमें से कई बेहतर बेहतर लीडर निकल कर आते हैं। और इसी कारणवश से व्यक्तियों को क्या हुआ, जैसे 1857 की क्रांति में आप समझिए कि 1857 की क्रांति में किसी भी प्रकार का वैसा दल नहीं था जिसके कारण 1857 की क्रांति, जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो छुटपुट तरीके से नेतृत्व हुआ, एक लीगल टाइप से जो पूरे भारतवर्ष में संगठन जो एक तरह से लीड करना चाहिए था बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, वो लीडरशिप नहीं हुआ और ना ही कोई लीडर बेहतर निकले यहाँ से, है ना। तो इसी परिस्थिति को देखते हुए और अंग्रेजों से अपनी मांगों को छीनने के लिए और अंग्रेजों से अपनी मांगों को लेने के लिए दोस्तों 1885 में 28 दिसंबर आपको याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस नामक दल की स्थापना कर दी गई। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसका स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को, है ना। अब इसके स्थापना को लेकर भी बहुत बड़ा एगो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे देखिए इसकी स्थापना जो करने की बात थी ना, कि स्थापना कहाँ करेगा किसी भी पार्टी का, कहीं बैठक होगा तभी तो वहाँ पर बोला जाए कि हाँ हमारी पार्टी का ये उद्देश्य होगा, ये उद्देश्य होगा। इसलिए स्थापना कहाँ करेगा, तो स्थापना किसी बैठक में करेगा। तो सभी नेताओं के द्वारा बोला गया था कि बॉस देखिए जो बैठक होगा वो पुणे में होगा, पुणे महाराष्ट्र, जो बैठक होगा वो पुणे में होगा, पुणे में होगा इसका बैठक, है ना। लेकिन क्या हुआ कि ऐन वक्त पर 28 दिसंबर को डेट निर्धारित था, ऐन वक्त पर पुणे में प्लेग फैल गया। प्लेग का मतलब महामारी फैल गई, और चूंकि महामारी फैली थी तो बड़े वरिष्ठ वरिष्ठ वकील थे हमारे इस संगठन में जुड़े हुए, जिनको स्थापना करना था कांग्रेस का, है ना, या जिनको बैठक में भाग लेना था कांग्रेस के बैठक में, तो बड़े वकील जुड़े हुए थे, बड़े बेहतर बेहतर लोग थे, उन लोगों ने बोला कि बॉस प्लेग के कारण तो हम जा नहीं सकते हैं पुणे में, है ना। इसलिए तत्कालीन रूप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहले कहाँ होना था बैठक, तो पुणे में, है ना। तत्कालीन रूप से इस बैठक को ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ, बॉम्बे, और बॉम्बे के ही ग्वालिया टैंक नाम का एक स्थान है, अभी आपको मिल जाएगा, बॉम्बे के ग्वालिया टैंक नामक स्थान में एक विद्यालय था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय,
कौन सा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अब इसी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो ग्वालियर टैंक में था बम्बई में, इसी में बैठक हुई प्रथम बैठक, और ये जो बैठक हुई और इसी में कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। अब देखिए कांग्रेस से संबंधित कुछ कुछ पॉइंट जो पूछेगा, स्थापना तो आप लोगों को बता दिए कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत को आज़ादी की मांग को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि एक संगठन पूरा का पूरा वायसराय से जाके मिले और वायसराय से भारतीयों की मांगों को रखे, है ना। अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट है कि इस संगठन की स्थापना जो थी वो एओ ह्यूम ने की थी। अब थोड़ा सा एओ ह्यूम के बारे में जान लीजिए दोस्तों। देखिए कांग्रेस में अभी जब हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, एक थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये, इसको हम लोग दो तीन पार्ट में करके समझेंगे, तीन चार पार्ट में कांग्रेस को भी पढ़ते जाएंगे ना, तो कांग्रेस में हम लोग पढ़ेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा इसको कि कांग्रेस में अभी धीरे धीरे हम लोगों को पढ़ना है सभी वैसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जिन्होंने बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया, है ना, राष्ट्रीय आंदोलनों में, है ना। एओ ह्यूम के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो थोड़ा सा एओ ह्यूम के बारे में यहाँ पर जान लीजिए, फिर तो हम विशेष तौर पर आपको बताएंगे वहाँ। एओ ह्यूम के बारे में आप जानिए कि इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज़ और बोलना था आपसे कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका टेलीग्राम में इसका नोट्स गया है, जैसे 1857 का संपूर्ण नोट्स टेलीग्राम में आपके प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप जेकर वहाँ चेक इन कर सकते हैं दोस्तों और अच्छे से अपना प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। ये कांग्रेस भी ख़त्म होगा तो इसका संपूर्ण नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक के फॉर्म में आप अच्छे से नोट्स को पीडीएफ में आप निकलवा सकते हैं और अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं अपना, है ना। आइए ध्यान देंगे यहाँ पर कि एओ ह्यूम जो थे ये रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, रिटायर्ड हो गए थे ये और बेचारे शिमला में रहते थे। इनका विचार इतना बढ़िया था, इनका विचार इतना बेहतर था कि इनको शिमला का संत कहा जाता है, है ना, द सेंट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है ना। इन्होंने ही क्या रखा, प्रस्ताव रखा कि बॉस आप लोगों को अगर आज़ादी पानी है तो आप लोगों को एक संगठन के तहत क्या करना होगा, आंदोलन करना होगा और वो संगठन का आप निर्माण करें, है ना। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के चलते ही इसीलिए इनको कांग्रेस का संस्थापक बोला जाता है, फाउंडर ऑफ द कांग्रेस, है ना, कांग्रेस का संस्थापक बोला जाता है। कि कांग्रेस का संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे, याद रखिएगा, ठीक है। जब एओ ह्यूम ने ये प्रस्तावना रखा और पहली बैठक जब हुई, तो आपको बता दें कि पहली बैठक में कुछ कुछ चीज़ों पर बड़ा चर्चा हुआ कि आखिर इस संगठन का नाम क्या रहे। तो इस संगठन का पहले नाम दिया गया, है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन का नाम दिया गया, इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन INU, है ना। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने बोला कि बॉस इंडियन नेशनल यूनियन कोई सही चीज़ नहीं लग रहा है ना, इसलिए हम लोग इसका नाम रखेंगे भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस, है ना, यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस का इन्होंने नाम रख दिया। और कांग्रेस का नामांकन, कभी आपसे पूछे कि कांग्रेस का नामांकन किन्होंने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नामांकन किया था दोस्तों, कांग्रेस नाम दिया था कांग्रेस संगठन को, है ना। इसका जो पहला था, ध्यान से समझिएगा, इसका पहला नाम था वो इंडियन नेशनल यूनियन था, और बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर, उन्हीं के कहने पर इसका नाम बदला गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर किया गया, कांग्रेस नाम रखिए आप, है ना। बेसिकली ये कांग्रेस जो वर्ड है वो अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। आप अच्छे से इसको पढ़ते चलिए, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बेहतर होगा कि आप खुद का नोट्स आप बनाए, है ना। कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया, ठीक है। अब देखिए नामांकन दादा भाई नौरोजी ने किया। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, याद रखना है। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, आपको बहुत अच्छा से याद रखना है। बम्बई के बारे में आपको बताइए कि पहले पुणे में होना था लेकिन बम्बई में हुआ, क्यों, प्लेग के चलते, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रथम बैठक की। जब कांग्रेस का प्रथम बैठक हुआ, आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, जब कांग्रेस का प्रथम बैठक हुआ तो इस कांग्रेस के प्रथम बैठक में क्या था कि इस कांग्रेस के प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और 72 प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया, 72 ने,
है ना, 72 प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया दोस्तों, इन 72 प्रतिनिधियों में है ना 39 वकील थे। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक संख्या किन पेशेदार लोगों की थी, तो वकीलों की सर्वाधिक संख्या थी इन 72, है ना, 72 वकील, 72 प्रतिनिधि में 39 वकील थे। अब इसमें हुआ क्या कि इस संगठन की स्थापना कर दी गई, ये नाम दे दिया गया इंडियन नेशनल यूनियन। अब इसमें बोला कि बॉस हर एक साल इसका नवंबर दिसंबर में बैठक होगा और हर एक साल इसके अध्यक्ष चुने जाएंगे, है ना, हर एक साल क्या होंगे इसके अध्यक्ष चुने जाएंगे। बोला ठीक है, तो सबसे पहले एगो अध्यक्ष को चुनिए, इस बैठक के लिए कोई भी अध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा वयोवृद्ध थे, सबसे ज़्यादा बूढ़े थे, जिनका नाम था WC बनर्जी, है ना, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, है ना, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी नाम थे दोस्तों, याद रखिएगा। और WC बनर्जी को इन्होंने क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। बोले कि बॉस आप ही रहिए, आप वयोवृद्ध है, आप बहुत बूढ़े आदमी हैं, आपका सम्मान में हम लोग पहला अध्यक्ष आपको नियुक्त कर रहे हैं। WC बनर्जी को क्या कर दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि कांग्रेस के प्रथम बैठक के अध्यक्ष प्रथम कौन थे, WC बनर्जी थे, और WC बनर्जी ने ही अध्यक्षता की थी पहले कांग्रेस की बैठक की, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पर छूटा हुआ है कि महासचिव किसको बनाया गया था, तो महासचिव दोस्तों, महासचिव बनाया गया था AO ह्यूम को। आपको याद रखना है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, है ना, और कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, है ना, तो प्रथम महासचिव थे AO ह्यूम थे। आपको याद रखना है 72 प्रतिनिधियों में 39 वकील शामिल थे। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे कि कांग्रेस की जो बैठकें हुई, वो कांग्रेस की बैठकों में कौन कौन सी विशेषताएं आई, और कांग्रेस की बैठकों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली दोस्तों, है ना। और भी कांग्रेस से जुड़े प्रमुख तथ्यों को जानेंगे, लेकिन बैठक को पढ़ने के बाद हम लोग कांग्रेस से जुड़े प्रमुख तथ्यों को जानेंगे कि बैठकों का अगर बात करें तो कांग्रेस की बैठकें कहाँ कहाँ कब कब हुई, इस बैठक को हम जानेंगे। आइए जानते हैं कांग्रेस के प्रथम बैठक के बारे में चर्चा करते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आप लिखते चलिएगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में 1885 में हुआ, क्योंकि 1885 में स्थापना ही हुआ था 28 दिसंबर को, और बॉम्बे में 1885 में कांग्रेस की बैठक हुई, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष WC बनर्जी, मैंने बताया ही, ये कांग्रेस के पहले हिंदू और पहले बंगाली हिंदू के नाम से जाने जाते हैं। कि बताइए कि कांग्रेस का पहला ऐसा कौन सा अध्यक्ष था जो हिंदू था और बंगाली था, तो WC बनर्जी पहले अध्यक्ष और पहले हिंदू भी थे, याद रखना आपको, इससे विशेष पॉइंट एक नहीं बनता है। अगर बात करें कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की, तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, है ना, और इसके जो अध्यक्ष बने दोस्तों वो दादा भाई नेहरूजी ही खुद बने, ठीक है। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखते चल जाइएगा, है ना। भारत तो धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, आपको धर्म से यादें रखना होगा, ठीक है, और पूछे भी जाएंगे धर्म से ही क्वेश्चन, है ना, कि कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नेहरूजी। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नेहरूजी। और आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नेहरूजी। कब हुआ भाई, 1886 में, कहाँ हुआ भाई, कलकत्ता में, है ना, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तृतीय अधिवेशन का अगर बात करें दोस्तों, तो तृतीय अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है कि तृतीय अधिवेशन मद्रास में हुआ 1887 में, और इसके अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और बदरुद्दीन तैयब जी का ही ये नाम आता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों, याद रखते हैं आपको, है ना। आइए चतुर्थ अधिवेशन के बारे में थोड़ा जाने, इसके चतुर्थ अधिवेशन के बारे में, तो ये 1888 में हुआ इलाहाबाद के। जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों, वो अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, है ना, कौन थे, जॉर्ज यूल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, या कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूल आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये सब क्वेश्चन। पांचवा अधिवेशन का अगर बात करें, तो 1889 में बॉम्बे में ही हुआ ये, अध्यक्ष इसके विलियम बिडरमन थे, है ना, अध्यक्ष इसके कौन थे दोस्तों, विलियम बिडरमन थे। और विलियम बिडरमन से ही आपको क्वेश्चन याद रखना है,
है ना। विलियम बेडरबन से ही आपको क्वेश्चन याद रखना है कि विलियम बेडरबन दूसरे ईसाई अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि कांग्रेस के जिस समय विलियम बेडरबन अध्यक्ष थे उसी समय दादा भाई नेहरूजी के द्वारा कांग्रेस की प्रथम विदेशी शाखा कहाँ खोली गई? लंदन में खोली गई। प्रथम विदेशी शाखा लंदन में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान या उस समय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का जब कांग्रेस की प्रथम विदेशी शाखा कहाँ खोली गई? लंदन में खोली गई। तो वो थे विलियम बेडरबन थे उस समय अध्यक्ष, और ये था दोस्तों आपका लंदन में खोला गया था प्रथम विदेशी शाखा दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। बात करें छठा अधिवेशन का, तो ये 1890 में हुआ कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। अब देखिए यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि फिरोज शाह मेहता जिस समय अध्यक्ष थे 1890 का अधिवेशन था, उस समय कलकत्ता में क्या हुआ कि उस समय कलकत्ता में एक प्रकार से कलकत्ता में एक महिला को वहाँ पर ही बुलाया गया, और ये प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त करेगी। आपको क्वेश्चन पूछेगा है ना कि कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य कौन थी, तो कादम्बिनी गांगुली, और कादम्बिनी गांगुली को बुलाया गया। ये पहली डॉक्टरेट थी, है ना, पहली डॉक्टरेट थी भारत की जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। पहली डॉक्टरेट थी दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, है ना। इन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था इस अधिवेशन के दौरान 1890 के दौरान, है ना, इस अधिवेशन को संबोधित किया, और ये पहली महिला ऐसी व्यक्ति हुई जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, या किसी महिला ने पहली बार कांग्रेस को क्या किया था, संबोधित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। कादम्बिनी गांगुली का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अधिवेशन का बात करें तो अगला अधिवेशन पांचवा छठा अधिवेशन कुछ नहीं है दोस्तों। अब धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट अब बताइए कि 1947 तक अधिवेशन चलते रहेगा, है ना, तो 1947 को अधिवेशन हम लोग याद रखेंगे। 1885 शुरू कीजिए तो 15 को उधर और 47 को उधर, बापरे, है ना। उतना याद नहीं रखना है क्योंकि उतना सफिशियंट भी नहीं है, आप याद भी नहीं रख सकते, जरूरी भी नहीं है उतना। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप हम पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों को हम टच करेंगे और आपका एक बेहतर प्रिपरेशन होगा इस क्लास के माध्यम से। आइए जानते हैं, है ना, 1896 के अधिवेशन के बारे में जाने, है ना, 1896 के अधिवेशन, ये अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्ला सयानी थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? रहमतुल्ला सयानी। अब देखिए यहाँ से एकदम अच्छा से नोट्स बनाते आप चल जाइए कि इसके अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी थे, और रहमतुल्ला सयानी के समय में ही सबसे पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के अधिवेशन में गा दिया गया, है ना। वंदे मातरम को क्या किया गया? कांग्रेस के अधिवेशन में गा दिया गया सबसे पहली बार 1896 में। रहमतुल्ला सयानी उस समय अध्यक्ष थे, है ना। जितना भी गाना बजाने वाला काम होगा ना, जैसे जन गण मन ये सब सब आएगा, सब कलकत्ते में गावल जाएगा। पगला जाता है एकदम, कलकत्ता में जब अधिवेशन होता है बोलते नहीं, बोसे कात को गाना बजाना होना चाहिए, है ना। जन गण मन भी वहीं गाया जाएगा, आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना। वंदे मातरम भी वहीं पर ही गाया गया, याद रखिएगा वंदे मातरम गाया गया। और बेसिकली वंदे मातरम से आप समझिएगा कि वंदे मातरम से कितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है। ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से ली गई है, और बेसिकली आनंद मठ जो है वो लिखा गया था 1785 के सन्यासी विद्रोह पर, है ना, तीर्थ यात्रा पर जो था रोक लगा दिया था अंग्रेजों ने और सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस पर पुस्तक लिखी, लीजिए हम किताब लिखे देते हैं आप लोग का विद्रोह पर, है ना। और उसी में वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मल्ल शीतलम सास्यालम मातरम ये सब गाना को गाया गया, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसमें लिखा आनंद मठ में विधिवत, और वहीं से उठा लिया गया और इसी को राष्ट्रीय गीत बना दिया जाएगा बाद में भारत का। वंदे मातरम याद रखना है आपको कि वंदे मातरम सबसे पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी थे। बात करें अधिवेशन 1905 का, है ना, तो 1905 के अधिवेशन को हम लोग बात करें दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, आगे पढ़ना है आपको कि 1905 के अधिवेशन का अगर हम लोग चर्चा करें तो 1905 ये वही काल है जब लॉर्ड कर्जन जैसे वायसराय क्या करेंगे, बंगाल को विभाजित करेंगे पूर्वी बंगाल में और पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल हमारे पास है, पूर्वी बंगाल, आज भी बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल ही कहा जाता है दोस्तों, है ना। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और नीति करो के शासन के तहत क्या कर दिया कि बंगाल को विभाजित कर दिया कि भाई वाह, मुसलमान जिधर ज़्यादा है बाबू पूर्वी बंगाल, जिधर हिंदू ज़्यादा है वो पश्चिमी बंगाल,
है ना, हिंदू मुसलमान में बांटने का कोशिश किया। और उसी समय दोस्तों 1905 का समय था, अध्यक्ष आपके गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, है ना। और इन्होंने क्या किया कि बहिष्कार करने का, सबको बोला कि स्वदेशी अपनाइए, स्वराज को पाइए, स्वदेशी अपनाइए, स्वराज को पाइए। सबसे पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों स्वदेशी या स्वराज शब्द का कांग्रेस अधिवेशन में प्रयोग हुआ था। पारित नहीं हुआ, पारित अगला साल होगा। स्वदेशी या स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब हुआ, तो 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ था। बनारस बोले सॉरी 1905 के हाँ बनारस अधिवेशन में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ के अध्यक्ष थे और इन्हीं के समय में स्वदेशी या स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया कांग्रेस अधिवेशन में। आगे आइए अधिवेशन के बारे में, 1906 का अधिवेशन जानते हैं। ये कलकत्ता अधिवेशन था, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दादा भाई नेहरू जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, किसके, कांग्रेस के। अब इसमें दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया, बोला कह रहे एक साल से रख ले स्वदेशी स्वराज इसको पारित का ही नहीं करता, ये पारित करेगा तभी तो आंदोलन आगे बढ़ेगा हमारा, बंग भंग आंदोलन, समझिए इस बात को, है ना, कि बंगाल विभाजन कर दिया, ये पारित करेगा तब तो आगे बढ़ेगा भाई, वाह तुम लोग रख ले है। दादा भाई नौरोजी ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और स्वदेशी और स्वराज शब्द को पारित कर दिया। बोला भाई कोई करे या ना करे, कांग्रेस के सभी लोगों को स्वदेशी अपनाना है और स्वराज की बात करनी है। खादी पहनो, चरखा काट के पहनो, खादी पहनो, सब कुछ करो, स्वदेशी अपनाओ और स्वराज की बात करो, है ना। इस शब्द को पारित कर दिया गया, लागू कर दिया सब कांग्रेस सदस्यों पर, है ना, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अधिवेशन अगला का, तो 1907 का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, है ना, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए अभी तक कांग्रेस का विचारधारा एक साथ चलते आ रहा था, लेकिन अब समझिए कि 1907 का अधिवेशन सा सूरत में हुआ था ये, और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे 1907 में, है ना। अब कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता थे जो चाहते थे, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि जो चाहते थे कि अंग्रेजों को सीधा मारो और उसके बाद आज़ाद करा लो भारत। लेकिन कुछ ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि नहीं नहीं, बातचीत से मसला आगे बढ़ सकता है, काहे मारपीट कीजिएगा, काहे आंदोलन पंदोलन कीजिएगा, हम लोगों को भी तो जान जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ गर्म दल के नेता थे और कुछ नरम दल के नेता थे, है ना। जो गर्म दल के थे उनका कपार एकदम हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस रहता था, बोलता था भाई वाह अगर वो टोक दिया तो मार देंगे, समझ में आया। गर्म दल के नेता ये था कि अगर वो टोका कि हम मारें, चाहे जय हो जाएगा, बम बारूद चले थला, फांसी दे दे हमको, उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। हम कांग्रेस में हैं तो हम गर्म दल के नेता हैं, हम गर्म, अगर वो टोका तो मार देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अंग्रेजों का कोई भी बात, समझिए इस बात को। और कुछ नरम दल के नेता थे, बोले ने बॉस देखो बाद में गांधी बाबा आने वाले हैं 1915 में, वो भी यही कहेंगे कि एक थाप में मारता है तो दूसरे को गलिया दे दो, ठीक है। जो गांधी के विचारधारा पर चलते थे कि एगो में मारे तो दूसर को दे दो, फिर तीसर को, फिर चौथ को, वो मारते मारते अपने थक जाएगा। अब मारते मारते थक जाएगा तो गालियों तो फुला देगा मार के, समझिए इस बात को। तो इसी विचारधारा को लेकर के कांग्रेस में फूट बढ़ गया 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, याद रखिएगा, आप नोट्स करते चलिए कि कांग्रेस में सबसे पहली बार फूट कब पड़ा, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ा था दोस्तों। राज बिहारी घोष उस समय अध्यक्ष थे और कांग्रेस दो भागों में टूट गई, नरमपंथी दल और गर्मपंथी दल। नरमपंथी दल ने खुद को वास्तविक कांग्रेस का नाम दिया, बोला कि हम ही लोग वास्तविक कांग्रेस है बाबू, याद रखना। जैसे जेडीयू कैसे टूटा, शरद पवार में और नीतीश कुमार में, शरद पवार बोले शरद यादव में और नीतीश कुमार में, नीतीश कुमार बोले कि नहीं हम ही वास्तविक जेडीयू हैं, शरद यादव बोले कि नहीं हम लोगों ने स्थापना किया था हम हैं, नीतीश कुमार कौन होता है, अंत में नीतीश कुमार जीते। अरे बाबू सत्ता है तो सब कुछ है, नीतीश कुमार जीते, वास्तविक जेडीयू का जो तीर छाप था उन्हीं को मिल गया, है ना। तो इन लोगों ने बोला कि हम वास्तविक कांग्रेस है, हम ही है नरमपंथी दल जो है वो वास्तविक कांग्रेस हम ही लोग हैं। और गर्मपंथियों ने अपना नाम रखा नेशनलिस्ट पार्टी, है ना, कि राष्ट्रवादी पार्टी नाम रखा अपना, बोला कि बॉस हम लोग गर्म दल का है, राष्ट्रवादी पार्टी है, हम लोग में कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ देंगे, कांग्रेस का ही विंग है लेकिन हम लोग गर्म दल का है, है ना, छपवा दो बारे में कि जो यहाँ पर ही गर्म दिमाग से आएगा उसको पूरा ठंडा करके भेजा जाएगा, समझिए इस बात को, है ना। सबसे पहली बार सूरत अधिवेशन में दोस्तों फूट पड़ गई यहाँ पर, याद रखिएगा। बात करें 1911 का कलकत्ता अधिवेशन का, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण याद रखने का चीज़ है कि इसी, अभी बताए ना कि जितना भी गाना बजाना हुआ सब कलकत्ता में हुआ, आप याद रख सकते हैं इसी प्रकार से, है ना, कि वंदे मातरम भी कलकत्ता में 1896 रहमतुल्ला सियानी अध्यक्ष,
और 1911 का समय था और कलकत्ता के अधिवेशन में बिशन नारायण धर थे उस समय क्या कांग्रेस के अध्यक्ष। और इसी अधिवेशन में दोस्तों जन गण मन पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन आपसे यही पूछता है बार बार कि बताइए कि किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 अध्यक्ष बिशन नारायण धर इन्हीं के अधिवेशन में गाया गया था जन गण मन पहली बार, है ना, जन गण मन पहली बार। अगर हम जन गण मन से चर्चा करें तो बेसिकली ये जन गण मन है ना हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पुस्तक गीतांजलि से लिया गया। गीतांजलि के लिए ही दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब, है ना। बेसिकली टैगोर नहीं थे, ठाकुर नाम था, अंग्रेजों कैसे बोलता है टैगोर टैगोर, ठीक है। तो टैगोर टैगोर का मतलब हुआ कि टैगोर, सब बोलने लगा टैगोर टैगोर, अरे टैगोर बोल रहा है। ठाकुर नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर, लेकिन सब बोले टैगोर टैगोर, तो बोले टैगोर टैगोर समझ में आया, तो सबको बोलने लगा रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लीजिएगा कि गीतांजलि में लिखित पुस्तक में जन गण मन का उल्लेख था और जन गण मन गीतांजलि से ही ली गई है, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा। बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ने तीन देशों का राष्ट्रीय गान लिखा दोस्तों, एक भारत का, दूसरा बांग्लादेश का, आप लोगों ने सुना होगा अमर सुंदर बांग्ला, हमारा सुंदर बांग्ला, है ना, और तीसरा श्रीलंका का भी राष्ट्रीय गान हमारे गुरुदेव ने लिखा, है ना। ध्यान में रखना सिंगली सिंगली करके है कुछ गाना, राष्ट्रीय गान है वहाँ का, है ना। ये तीनों का राष्ट्रीय गान हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, याद रखना है आपको। बात करें 1912 के अधिवेशन का, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है दोस्तों कि ये बिहार में हुई पहली कांग्रेस की अधिवेशन थी। कई बार बीपीएससी इसको रिपीट कर चुका है, 66वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 66th बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि 66th बीपीएससी में पूछा गया कि बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था, तो 1912 में बांकीपुर में, पटना में, पटना के जिले में ही पड़ता है बांकीपुर, और बांकीपुर में ये पहला अधिवेशन हुआ, बिहार का पहला अधिवेशन 1912 का अधिवेशन। अध्यक्ष इसके थे आर्यन माधुलकर, कौन थे आर्यन माधुलकर, बिहार में होने वाले पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बैठक के अधिवेशन के, आर्यन माधुलकर। बात करें अधिवेशन 1916 का लखनऊ का, अब इसको बड़ा अच्छा से समझना है आपको, है ना। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अब एकदम बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों आप, है ना, इस चीज़ को बड़ा अच्छा तरीके से समझना है आपको। क्या समझना है इस चीज़ को बड़ा अच्छा तरीके से, आप देखिए इस बात को, है ना, कि इसमें होगा क्या बेसिकली, कि इसमें दो नए व्यक्ति उत्पन्न होंगे। नया व्यक्ति का बोलिए कि कांग्रेस में दो नए व्यक्तियों का उद्भव हो जाएगा, एक तरह से नाम बनेगा, और वो दो नए व्यक्ति होंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, है ना। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने कहा कि बस ये जो नरम दल और गरम दल में हम लोग बटे हैं ना, फूट तो अभी से पड़ गया, अगर ये नरम गरम करते रहेंगे तो सब पूरा भटा जाएगा, भारत आज़ाद भी नहीं होगा, इसलिए हम नरम गरम दल में नहीं करते, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सामंजस्य बैठाने का कोशिश करते हैं और नरम दल और गरम दल को एक साथ करते हैं। 1916 के अधिवेशन में ही दोस्तों, है ना, 1916 के अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार क्या थे, अध्यक्ष थे, नरम दल और गरम दल पुनः मिल गए, 1907 में अलग हुए और 16 में मिल गए 9 साल बाद, है ना। अब दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से रखिएगा, बड़ा अच्छा से समझना इसको, कि दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, कि दूसरा यहाँ पर हुआ कि देखिए हम लोग सिर्फ नरम दल और गरम दल मिलके नहीं कर सकते, उधर 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना भी हो चुका था ढाका में, है ना, और मुस्लिम लीग के साथ मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भी था, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ, है ना, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भी था। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि बॉस हम लोग क्या करते हैं कि मुस्लिम लीग को भी साथ में लाते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना से बात करते हैं, है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना से बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि बात किया, और बात करने के दौरान ही दोस्तों जिस समय मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही थी उसी को बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, आप याद रखिएगा, कौन सा पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, या इसी को बोलते हैं लखनऊ समझौता। कब हुआ, 1916 में, किसके किसके बीच हुआ, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच हुआ। अब इसमें बाल गंगाधर तिलक ने बड़ा प्रसिद्ध एक कथन कह दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिन्ना साहब, और हम इसको लेकर ही रहेंगे, क्या आप उसमें आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा, क्या आप भारतीय नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना पहले ठीक थे दोस्तों, है ना, बाद में तो फिर बाद में
बाद में जो बिगड़ गया पूरा खतरनाक तरीके से कि नहीं हम लोगों मुसलमानों के लिए आरक्षित ज़मीन चाहिए, लो साला मुसलमानों के लिए आरक्षित ज़मीन लो, है ना। आज देखिए धीरे 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 पाकिस्तान गर्त में जा रहा है, गरीब देश हो गया, कर्जा में डूब गया है, है ना। ध्यान से समझिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को बोला कि जिन्ना साहब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यही क्वेश्चन तो बार बार पूछता है कि किस अधिवेशन में बाल गंगा, आप लोग सब जानते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, लेकिन किस अधिवेशन में बोला था, ये 1916 के अधिवेशन में बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे, नहीं कैसे देगा, देह तोड़ देंगे, ठीक है। जिन्ना ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम समर्थन करते हैं आपका। 1916 में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से जुड़ गई, लखनऊ पैक्ट के तहत, लखनऊ समझौता के तहत, किसके किसके बीच हुआ, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच, है ना। 1916 में मुस्लिम लीग भी जुट गई। अब मुस्लिम लीग जब जुटेगी तो कुछ तो डिमांड करेगी, ये तब तो उपद्रवी था, है ना। तो मुस्लिम लीग जुटी सिर्फ इसी शर्त पर जुटी कि मुस्लिम लीग भी कांग्रेस का साथ देगा यदि मुस्लिमों के लिए 1909 में आया मार्लेमेंटो अधिनियम के तहत अलग आरक्षित क्षेत्र को मान लिया जाए कि मुस्लिमों के लिए आरक्षित क्षेत्र होगा चुनाव में, है ना। कांग्रेस ने बोला कि ठीक है मान लेंगे। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। अगर कांग्रेस उसी समय बोलता कि कौन सी मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्र जी, क्या कांग्रेस में मुसलमान नहीं है मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या कांग्रेस में मुसलमान नहीं है खान अब्दुल गफार खान, है ना, क्या मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्र, आप खड़ा कीजिए कांग्रेस समर्थन करेगी, मुसलमान कैंडिडेट जीतेगा, क्या दिक्कत है। ऐसा अगर बोल देते तो शायद पाकिस्तान के बटने का नौबत नहीं आता, लेकिन इसी समय से आग लग गया। मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि यार जो मांग रहे हैं सो तो दे ही रहा है, जो मांग रहे हैं सो तो दे ही दे रहा है ना। अब इसका लालच धीरे धीरे और बढ़ेगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ये सब भी पढ़ेंगे दोस्तों कांग्रेस को खत्म करने के बाद। ध्यान दीजिएगा इसका लालच और बढ़ गया। याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में मार्लेमेंटो अधिनियम 1909 जो आया था वो मार्लेमेंटो अधिनियम में कहा गया था कि मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्र प्रदान किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन कांग्रेस बोला कि नहीं कोई अलग चीज़ नहीं, हम इसको मान्यता देंगे ही नहीं। और मुस्लिम लीग का उतना औकात नहीं था कि कांग्रेस का बात को कथी करे, सिर्फ विरोधे कर सकता था। जब तक कांग्रेस मानेगी नहीं, बहुसंख्यक पार्टी थी ये, जब तक कांग्रेस मानेगी नहीं तब तक ये नहीं कर सकता, आवंटित नहीं कर सकता था। सिर्फ मुस्लिम लीग का साथ पाने के लिए कांग्रेस से ये बड़ी भूल हो गई कि इन्होंने मार्लेमेंटो अधिनियम के तहत क्या कर लिया, इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि हमको मुसलमानों के लिए अलग आरक्षित क्षेत्र चाहिए, और कांग्रेस ने मान लिया और मुसलमानों को अलग अलग आरक्षित क्षेत्र इसी 1916 के अधिवेशन से प्राप्त हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये। अभी बहुत सारे अधिवेशन बचे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसको पढ़ाने का। देखिए हम चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपका क्लास चले, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मे भी 3 से 4 क्लासों में कांग्रेस समाप्त हो जाएंगे, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा से इस वीडियो को समर्थन करें, बहुत अच्छा से पढ़ाई करें और आगे भी भेजें दोस्तों, ठीक है, ताकि समर्थन आप करें कि मैं लाइव क्लासेस आकर पढ़ा सकूं। और अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों प्लेलिस्ट का, आप जाके वहाँ चेक इन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा, धन्यवाद।